वेलकम टू एग्जाम प्लस स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हम 13 जनवरी 2020 के टॉप इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं, तो पेन और कॉपी उठाइए और 13 जनवरी 2020 के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। आज का ये सेशन बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आइए डिस्कस करते हैं 13 जनवरी के टॉप इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। रानी रामपाल ने एथलीट ऑफ द ईयर के लिए नामांकित किया गया है। जो रानी रामपाल हैं महिला हॉकी कप्तान, उनके लिए किसके लिए चुना गया है? वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। ये भारत की महिला हॉकी कप्तान हैं रानी रामपाल, इनके लिए वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 के लिए नामित किया गया। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है ये पॉइंट आने वाले एग्जाम के लिए। 25 खेलों से इस पुरस्कार के लिए नामांकित 25 एथलीटों की सिफारिश उनके अंतर्राष्ट्रीय महासंघों द्वारा की गई। रानी को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन और नेतृत्व क्षमता के लिए नामित किया गया। आपको बस और कुछ ध्यान नहीं रखना है, बस ओनली केवल इतना ध्यान रखना है कि जो रानी रामपाल है उनके लिए एथलीट ऑफ द ईयर के लिए नामांकित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारा पे यू। जैसे हमारे यहाँ पर है गूगल पे, वैसे ही एक पे यू है। उसने क्या किया है, 185 मिलियन में पे सेंस का अधिग्रहण किया है। बस इसमें और कुछ पूरा टॉपिक में कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना इम्पोर्टेंट है कि पे सेंस का अधिग्रहण किस कंपनी ने किया, पे यू ने किया है। कितने में? 185 मिलियन डॉलर में। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं अपना। नेक्स्ट पॉइंट है ICC रैंकिंग जारी हुई है। ICC रैंकिंग में विराट कोहली 9वें स्थान पर रहे हैं। 1 जनवरी 2020 को ICC द्वारा T20 रैंकिंग है बेटा, ये कौन सी रैंकिंग के T20 में जो है विराट कोहली है 9वें स्थान पर हैं। खिलाड़ियों की रैंकिंग के बल्लेबाजी में KL राहुल ने अपना 6ठा स्थान बरकरार रखा है, जबकि कप्तान विराट कोहली 9वें स्थान पर आ गए हैं। ये T20 रैंकिंग है बेटा, T20 रैंकिंग। आगे हम पढ़ने वाले टेस्ट रैंकिंग। तो भारत के सर्वोच्च बल्लेबाज KL राहुल जो 6ठे स्थान पर हैं, उन्होंने 760 रेटिंग अंक प्राप्त किए हैं, जबकि बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन 15वें स्थान पर हैं और भारत जो है T20 रैंकिंग में 5वें स्थान पर है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है पॉली उमरीगर ट्रॉफी क्या है, इसमें डिस्कस कर लेते हैं कुछ पॉइंट हैं। पॉली उमरीगर पुरस्कार ये जसप्रीत बुमराह को दिया गया है बेटा। जसप्रीत बुमराह को 2018-19 में 70 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए पॉली उमरीगर पुरस्कार मिलेगा। किसके लिए दिया गया? पॉली उमरीगर पुरस्कार दिया गया जसप्रीत बुमराह के लिए। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उन्होंने जनवरी 2018 में भारत के दक्षिण अफ्रीका दौरे के दौरान टेस्ट क्रिकेट में पर्दापण किया था। कब किया था बुमराह ने पर्दापण? 2018 में, और 2018-19 के ही लिए इनके लिए क्या मिल गया? पॉली उमरीगर ट्रॉफी मिल गई। और कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं पॉली उमरीगर के रिलेटेड। भारत के पूर्व कप्तान कृष्णमाचारी श्रीकांत, जो हम पहले ही डिस्कस कर दे चुके थे, और महिला पूर्व कप्तान है अंजुम चोपड़ा, इनको कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जा रहा है, और महिलाओं के लिए BCCI लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जा रहा है। तो कृष्णमाचारी के लिए दिया जा रहा है C.K. नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, और महिलाओं के लिए जो BCCI लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अब वन लाइनर है। ओमान के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले सुल्तान कुबुस बिन सैद का निधन हो गया है। एग्जाम पॉइंट व्यू से क्या है इसमें आएगा कि कुबुस बिन सैद का हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने बहुत लंबे समय तक शासन किया था। वे किस देश के थे? ओमान के थे। नेक्स्ट है लेफ्टिनेंट कर्नल युवराज मलिक को नेशनल बुक ट्रस्ट का निदेशक नियुक्त किया गया है। तो इसमें पॉइंट क्या है, नेशनल बुक ट्रस्ट का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट कर्नल युवराज मलिक को। नेक्स्ट पॉइंट है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने 9 जनवरी 2020 को चित्तूर में अम्मा बॉडी योजना, इसे हम पढ़ चुके थे हमारे एक लेक्चर में। अम्मा बॉडी योजना किसकी है? यह है
आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की। इसमें क्या होगा, उन माताओं को 15,000 रुपये वित्तीय सहायता, वार्षिक सहायता दी जाएगी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो ये 9 जनवरी को शुरू की गई है जगन मोहन रेड्डी के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, इसी में पढ़ लेते हैं। हरमनप्रीत कौर, मैं आपके लिए कुछ वन लाइनर लेकर आया हूँ। हरमनप्रीत कौर आगामी ICC महिला T20 विश्व कप में भारत की 15 सदस्यीय टीम का नेतृत्व करेंगी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है बेटा, इसमें कई इम्पोर्टेंट हैं। देखो, हरमनप्रीत कौर हैं, ये आगामी ICC वर्ल्ड कप में T20 विश्व कप के लिए भारत की 15 सदस्यीय महिला टीम का नेतृत्व करेंगी। अपने दिमाग में भर लो, ये वाला पॉइंट आने वाला है। हरमनप्रीत कौर जो है महिला T20 वर्ल्ड कप का क्या करेंगी, नेतृत्व करेंगी बेटा। पेयू, जो अभी आपको बता चुका हूँ मैं, पेयू ने पेशेंस में $185 मिलियन के मूल्यांकन के एक नियंत्रण हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। इसी में अगला पॉइंट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में डिजिटल लॉकर प्लेटफॉर्म और डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को मान्यता दे दी है। तो इसमें कैसे क्वेश्चन आएगा, इसमें क्वेश्चन आएगा, वह भारतीय बैंक कौन सी है जिसने डिजिटल लॉकर प्लेटफॉर्म और डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को मान्यता हाल ही में दी है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल लॉकर प्लेटफॉर्म और डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को मान्यता दी है। जो भी बच्चे नए हों वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे क्या होगा बेटा, आपको जो है जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका नोटिफिकेशन एकदम मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, भारत के रिजर्व बैंक ने हाल ही में, ये मैं आपको कराई चुका हूँ ये वाला पॉइंट, अमेरिका ने हाल ही में ईरान के धातु उद्योग और उसकी अर्थव्यवस्था के अन्य सेक्टरों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यानी कि अमेरिका और ईरान के बीच में हाल ही युद्ध के जो है तनाव बन गया है, और इसीलिए अमेरिका ने कार्रवाई करते हुए उसके धातु उद्योगों और अर्थव्यवस्था के अन्य सेक्टरों पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं बेटा, भारतीय महिला क्रिकेटर खिलाड़ी पूनम राउत को बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारतीय महिला क्रिकेटर खिलाड़ी हैं पूनम राउत, इनको बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, ये महिला क्रिकेटर खिलाड़ी हैं पूनम राउत, जबकि जो हरमनप्रीत कौर को वो क्या करेंगी, वो ICC T20 वर्ल्ड कप में महिला क्रिकेट टीम का नेतृत्व करेंगी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में प्राणी उद्यान बनाया जा रहा है, जिसका नाम जो है अशफाक उल्ला खान के नाम पर रखा जाएगा, शहीद अशफाक उल्ला खान जी के नाम पर रखा जाएगा। इसके लिए 234 करोड़ रुपये की जो है राशि जारी की गई है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 11 जनवरी 2020 को गांधीनगर में गुजरात पुलिस और भारतीय डाक विभाग की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। तो ये आ सकता है, गुजरात पुलिस और भारतीय डाक विभाग की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किसने किया है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय रेल और रेलटेल में समझौता हुआ है। किसके लिए हुआ है, भारतीय रेल ने रेल मंत्रालय के साथ एक मिनी रत्न PSU रेलटेल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन कैसा बनेगा, भारतीय रेल में किस मिनी रत्न कंपनी के साथ में समझौता किया, रेलटेल ये कैसी है, मिनी रत्न कंपनी है। इससे क्या होगा, 58 इकाइयों में 50,000 उपयोगकर्ताओं के लिए NICE ऑफिस के निष्पादन के चरण एक के सफल समापन के बाद परियोजना के चरण दो के लिए साझेदारी समझौता पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है, इसी में क्या है, चरण दो में रेलटेल 30 जून 2020 तक NICE ऑफिस प्लेटफॉर्म पर 34 रेलवे डिवीजनों पर 39,000 उपयोगकर्ताओं को पंजीकृत करेगा। तो आज के लिए इतना ही, जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।